महात्मा गांधी की जयंती के 150 वर्ष पूर्ण होने पर गांधीवादी संगठनों के मार्गदर्शन में मंगलवार को इंदौर से गांधी दर्शन पद यात्रा की शुरुआत हुई, जो 26 नवंबर को भोपाल में समाप्त होगी। इंदौर से भोपाल गांधी पद यात्रा का शुभारंभ सुबह 8:30 बजे गांधी प्रतिमा पर पूर्व महाधिवक्ता श्री आनंद मोहन माथुर द्वारा किया गया। पद यात्रा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव के नेतृत्व में रवाना हुई। गांधी दर्शन यात्रा में गांधी जी के सिद्धांतों एवं भजनों को प्रदर्शित करता प्रथम वाहन गांधी संदेश वाहन यात्रा में मौजूद रहा। साथ ही गांधी जी की प्रतिमा चरखी से सूत काटते प्रदर्शित की गई। यात्रा में 100 से ज्यादा पदयात्री शामिल हुए, जिन्हें समापन समारोह में सम्मानित किया जाएगा। गांधी दर्शन पदयात्रा में 9 दिन का सफर तय कर भोपाल पहुँचेगी, जहाँ मुख्यमंत्री कमलनाथ यात्रा का स्वागत करेंगे। रास्ते में प्रत्येक रात्रि विश्राम स्थल पर गांधी के विचारों को युवाओं तक पहुंचाने के लिए नाटकों का मंचन किया जाएगा। इसके साथ ही गांधी जी के भजनों की प्रस्तुति के आयोजन लगातार होते रहेंगे। रोल करें भाई, को लेना भाई, थोड़ा सा और ऊपर रोल। आज गांधी दर्शन यात्रा, एक मिनट। आज इंदौर से गांधी प्रतिमा से गांधी दर्शन यात्रा शुरू हुई है। ये यात्रा इंदौर से शुरू होने के बाद आज शाम देवास पहुंचेगी, उसके बाद अलग अलग स्थानों पर रुकते हुए 27 तारीख को भोपाल पहुंचेगी। क्या संदेश है इसका? इस पूरी यात्रा का उद्देश्य है कि जो गोडसे की विचारधारा है, जो गोडसे का मानने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ गांधी जी की विचारधारा को सशक्त करना। आज मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार है, सब लोगों को समान सम्मान है, सब धर्मों को समान सम्मान है। इसके बाद भी कुछ लोग ऐसे संस्कृति के हैं जो लगातार गोडसे का मंदिर बनाने की, गोडसे की पूजा करने की बातें करते हैं। ऐसे लोगों को करारा जवाब देने के लिए गांधी संदेश यात्रा है, जो अहिंसा का संदेश देती है, एकता का संदेश देती है और समभाव का संदेश देती है। इसमें 100 पदयात्री लगभग इंदौर से रवाना हो रहे हैं, जो भोपाल 27 तारीख को पहुँचेंगे। वहाँ राजगोपाल टीवी की यात्रा भी आ रही है, वो भी इस यात्रा, हम भी उस यात्रा में शामिल होकर माननीय मुख्यमंत्री जी इस यात्रा को उद्बोधन देंगे। इसका सीधा उद्देश्य है कि एक एक गांव गांव शहर शहर जो गांधी जी के सिद्धांत है, वो युवाओं तक जा सकें, युवा ये समझ सकें कि आज़ादी के पहले किस तरह से गांधी जी ने और कांग्रेस ने मिलकर संघर्ष करा और देश को आज़ाद कराया, और जो लोग आज गांधी जी का मुखौटा लगा के घूम रहे हैं, उनका देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं था, एक भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इनके पास नहीं है। उसके बाद भी आज ये हमारे जो साथ काम करने वाले, कांग्रेस के साथ काम करने वाले नेता थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो देश के उस समय के गृह मंत्री रहे, जिन्होंने आरएसएस को प्रतिबंधित करा था, उनकी मूर्ति लेके लोगों से वोट मांगते हैं। इनको तो शर्म आना चाहिए, इनको गोडसे की पूजा करना चाहिए। और हम भी आत्मसात कर चुके हैं, देखिए आत्मसात चेहरे से कर चुके हैं, सिद्धांतों से नहीं कर चुके हैं। वही बात हम आज बताने चलेगा कि कहीं वो नाथूराम गोडसे तो आपके घर में नहीं घुस गया है, ये साफ किया जाएगा पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे यात्रा मार्ग। ये बीजेपी के खिलाफ कोई यात्रा है क्या? ये गांधी जी की यात्रा है, और गांधी जी के खिलाफ जो है उसके खिलाफ यात्रा है। आप बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी के खिलाफ है और बीजेपी अगर गांधी जी के खिलाफ है, तो हम निश्चित तौर पे बीजेपी के खिलाफ है।